यार क्यों प्राइवेट कॉलेज वाले सिलेक्ट नहीं होते ESC या गेट में, और क्यों IIT NIT वाले ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं? ओ ये बात है। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो डेली बाय डेली या संडे स्पेशल है, तो मैं लाता रहता हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट कॉलेज वर्सेस आपके IITs NITs और टॉप क्लास के, उसमें डिफरेंट क्या होता है, क्यों ESC और गेट में अदर गवर्नमेंट में लोग ज़्यादा वो सिलेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेज। जैसे आपके ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मिल जाएगा, आपके भोपाल में मिल जाएगा, बहुत सारा कॉलेज ऐसे साउथ में बहुत कॉलेज मिल जाएगा, फिर UP में, बिहार में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो वहाँ से स्टूडेंट कम सेलेक्ट होते हैं कम्पेयर टू द जितने IITs NITs वाले वो ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं वीडियो को। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और प्रेस बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन ऐसे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज देखो, इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है। आप यूपी में बात करो ना, तो कम से कम 900 से 1000 कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं। ओके, ऐसे भोपाल में भी मिल जाएगा, कम से कम यही रेशियो में मिल जाएगा, 600-700 रेशियो मिल जाएगा, फिर साउथ में भी ऐसे मिल जाएगा। तो यार प्राइवेट कॉलेज की पहले हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है। उनकी एजुकेशन पॉलिसी भी बहुत गंदा होती है। एक्चुअली क्या होता है ना, वहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, फ्यूचर का उनको पता नहीं होता है करना क्या है, उनको सीरियसली नहीं। भाई एक चीज़ देख लो, 2-4% स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए, मैं उनको 2-4% इंक्लूड नहीं करता हूँ, पहले मैं वीडियो में अपने बता दे रहा हूँ, 100% लोगों के लिए वीडियो नहीं है, 2-4% होते हैं, ठीक है। तो हम बात, बहुत सारे कॉलेज होते हैं प्राइवेट कॉलेज, उसमें सिलेक्शन नहीं होता। अब वहाँ के टीचरों की बात कर ले, टीचर मतलब डी ग्रेड के टीचर होते हैं, डी ग्रेड के टीचर होते हैं जो बीटेक जस्ट पास आउट होते हैं, उनको दे देते हैं, लैब वाला काम होता है, बट उनको टीचर बना देते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है यार। जिनकी YB लगी होती है वो तुमको पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, सीरियसली कुछ भी नहीं आता। सोम पढ़ाने जाएंगे कुछ नहीं आएगा, तुम्हारे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाने जाएंगे कुछ भी नहीं। बुक कैसे पढ़ाते हैं मैं शेयर करता हूँ प्राइवेट कॉलेज वालों, तो वो सब करते हैं क्या, अपना नोट्स लिख के लाते हैं, बोर्ड पर छपा देते हैं, कुछ पूछ लो अरे ऐसा वैसा कर देते हैं, एग्जैक्टली मीनिंग नहीं बता पाते, कभी भी उनको खुद नहीं पता तो बताएंगे क्या, कुछ आता ही नहीं है। फर्स्ट ईयर में थोड़े अच्छे टीचर मिल जाते हैं, क्योंकि मैथ फिजिक्स तो नॉर्मल होता है पढ़ा देते, बट जब आपकी कोर शुरू होती है ना, वहाँ से टीचर आपको खराब मिलते हैं, आपकी लाइफ बर्बाद करने देते हैं। फिर आपसे क्या करते हैं ना, क्लास में बातें इधर सुधर करेंगे, पढ़ाएंगे, लाएंगे बुक से छपा देंगे, क्लास में पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, और जब आपकी एग्जाम्स मतलब असाइनमेंट होता है तो बोल देंगे 2-4 कहीं से क्वेश्चन दे देंगे बुक का, ये कर लेना, हो गया असाइनमेंट। फिर जब टेस्ट होता है तो क्वेश्चन बता देते हैं कि ये क्वेश्चन, अगर नहीं बताते हैं तब भी क्वेश्चन ईजी आता है, उसमें लड़के कुछ भी लिख देते हैं, पास कर देते हैं प्राइवेट कॉलेज में। खासकर ये हर प्राइवेट कॉलेज में होता है, मैं कुछ कॉलेज अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कॉलेज सारे बेकार होते हैं, बट प्राइवेट कॉलेज में कुछ कॉलेज अच्छे होते हैं। ओके, तो और टीचर्स ए ग्रेड के मतलब डी ग्रेड के टीचर होते, कुछ भी नहीं आता यार, उनकी HOD तक को नहीं आता, पढ़ाने का वे नहीं पता, कुछ भी पढ़ा देते, बस वो एग्जाम पास कराने के वे से पढ़ाते, फ्यूचर देख के नहीं पढ़ाते कि सब्जेक्ट पढ़ाओगे, उनको कंपटीशन में जाना है, आगे अच्छा करना है ना उनको। अब एक चीज़ बताऊँ ना, उनको साइट ना साइट का पता होता है, साइट पे जॉब कैसे करनी प्राइवेट में, ना गवर्नमेंट का पता होता है कैसे क्या करना है, कुछ नहीं पता, नील कर देते हैं। बट अब थोड़ा सा हो जा रहे हैं धीरे धीरे, बट जीरो लेवल पे होते हैं, बस उनका वो चलता है लाइफ, वो वाली चलती है, कॉलेज गए आए अटेंडेंस बनाना है, बट टीचर इधर उधर बातें करता है, अटेंडेंस जिनकी बनती है उनको अच्छा मार्क्स, जिनका नहीं बनता उनका नीचे मार्क्स, ये होता है प्राइवेट कॉलेज। ओके, आगे और डिटेल्स बात करेंगे, IITs की बात कर ले, IITs में क्या होता है ना, जो उनका असाइनमेंट भी होता है एक क्लास का होता है, क्योंकि वहाँ रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं होते वहाँ के प्रोफेसर। ओके, और टीचर प्रोफेसर एक एक क्लास के प्रोफेसर होते हैं, नंबर वन क्वेश्चन एकदम मस्त बनता है, उनके पेपर भी अच्छे होते हैं, इसलिए उनके देखो पॉइंटर भी बनते हैं, बहुत कम पॉइंटर बनते हैं IITs वाले के भी, आप अच्छे से नहीं पढ़े तो पॉइंटर आपके गिर जाते हैं, ये भी बात है। तो उनके टॉप क्लास की उनकी पहले से सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाता है वहीं पर, बहुत सारे सब्जेक्ट वो कॉलेज टाइम पे ही प्रिपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही, उसके बाद वो आगे का फ्यूचर का देख लेते हैं, उनको उनके सीनियर पता होते हैं, सीनियर कैसे हैं सीनियर भी देखते हैं। बट यहाँ पे प्राइवेट में सीनियर को कुछ नहीं पता, सीनियर का एनवायरमेंटल, पढ़ाई का एनवायरमेंटल, जो आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो लड़के आपको प्रिपेयर नहीं करने देते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, और वहाँ पर आपको माहौल नहीं क्रिएट होता, बस वो सब सोचते हैं जॉब मिल जाए, प्राइवेट ये करना है वो करना है बस। खासकर सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल कोर ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि आपके कंप्यूटर साइंस या अदर ब्रांच के, पहले मैं बता दे रहा हूँ।
ओके तो आईआईटीज में सारे माहौल क्रिएट हो जाते हैं, सारे माहौल, आपको जिस वे में जाना है सारे वे के लड़के मिल जाएंगे। आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, आपको ईएससी में जाना है, गेट में जाना है, सारे लोग वहाँ से जाते हैं और मोस्टली प्रोबेबल लोग वही सिलेक्ट होते हैं क्योंकि वो मेक जी ज्वाइन कर लेते हैं, ईएस मास्टर मास्टर जी ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे कोचिंग वो ऑनलाइन ज्वाइन करके पढ़ते हैं, उनके प्रोफेसर साथ देते हैं, वो पढ़ने में इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए उनकी सिलेक्शन थर्ड ईयर के बाद ही हो जाता है। बहुत थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर में कोचिंग कर लेते हैं और फोर्थ ईयर में उनका सिलेक्शन गेट में अच्छे मार्क्स ला के आपके पीएसयूज में चले जाते हैं, फिर अगले साल ईएससी में हो जाते हैं या उसी साल हो जाते हैं सिलेक्ट। बट प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट कॉलेज में जो 4% स्टूडेंट भी सिलेक्ट हो जाए ना पूरे ओवरऑल इंडिया से, बहुत वो ज़्यादा है नहीं होते हैं। रीजन यही बताया कि वहाँ इन्वायरमेंटल नहीं क्रिएट। देखो एमएनआईटी इलाहाबाद, एमएनआईटी इलाहाबाद जयपुर, एमएनआईटी जयपुर, बहुत सारे वहाँ के एनआईटीज के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, ओके प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं होते हैं। हाँ देखो पढ़ाई का जैसा आईआईटीज में क्या होता है ना, पढ़ाई का ग्रुप भी बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, नंबर आप दो चार फ्रेंड है तो पढ़ाई के वे पे अपना स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ अब यहाँ पे क्या प्राइवेट कॉलेज में क्या कैसी पढ़ाई होती है, बहुत जगह क्वांटम चलती है, बहुत जगह क्या सा चलती है, कुछ चलती है, बट वो छोटी छोटी पतली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, दो चार क्वेश्चन बढ़ते उसको पढ़ लिए, याद कर लिया, अच्छा ये प्रीवियस ईयर बस से पढ़ के उसको दे दिया, एग्जाम हो गया, पास हो गए, चाहे उसमें 60 नंबर या 70 नंबर आ जाए, उनको नॉलेज जीरो लेवल का होता है जब। अब फिर आते हैं कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अब कोचिंग ज्वाइन करने के बाद क्या कहते हैं, फिर कोचिंग ठीक है, कोई आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो कोचिंग वाले 100% नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आईटीज वालों को बेसिक क्लियर होता है वो आगे निकल जाते हैं, हम लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होता है तो वो घोल के नहीं पिला देंगे, अब वहीं पर आप ढूंढते रह जाते हो। एक ईयर में तो अब इतना 6 महीने में आपको सिलेबस कवर करना है तो यार आपको थोड़ी आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, आपको कुछ नहीं आता, तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद क्या होता है ना, नहीं कर पाते हैं, फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेट होते, फिर 1-2 साल 3 साल करते हो नहीं होता है सिलेक्शन। रीजन यही सब होता है कि बेसिक क्लियर करने में टाइम लगे, गेट क्वालिफाइड कर जाओगे बट अच्छे मार्क्स ला पाओगे, जॉब नहीं पाओ, ईएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाए, छोटे मोटे जॉब पा सकते हो, जेई लेवल का भी कर रहे हो तो अच्छे से कर सकते हो, बट वहाँ भी जाना, क्योंकि अदर गवर्नमेंट वाले जो होते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट में, वो भी सिलेक्शन ले जाते हैं जो अच्छे से पढ़ाई करके आते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइस, इसलिए सिलेक्शन बहुत कम होती है, उनको नॉलेज एकदम नहीं होता, कुछ का कुछ बताएंगे, ये चीज़ है। जब कॉलेज में स्कूल जब जाएंगे मेकी जी या कोई ज्वाइन करते तो बताएंगे ऐसा वैसा था, ये था वो था, बाद में सिलेक्शन नहीं, अरे टीचर नहीं अच्छा पढ़ा। भाई देखो कोचिंग की गलती नहीं होती, कोचिंग नो डाउट अच्छा पढ़ाता है, हमेशा अच्छा पढ़ाता है, कुछ गलतियां मतलब उनकी होती, बट हमारी गलती ज़्यादा होती है, 80-90% मेरी हम लोगों की गलती होती, क्योंकि हम लोग वहाँ पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं मेहनत करते हैं बट वो जो चीज़ पढ़ाते हैं वो चीज़ समझ में नहीं आता। एक्चुअली हम लोग बीटेक में एकदम नहीं पढ़े, एकदम जीरो लेवल पे, बस हम लोग पासिंग के लिए पढ़ते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के थे। रीजन ये है, ओके आई थिंक आप लोगों को इस चीज़ समझना चाहिए, आपको ऐसी आपको वहाँ पे अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, हमको गेट या एससी के लिए जाना है या आपको नॉन टेक के जाना, एसएससी या बैंक के लिए जाना, वहाँ पे डिसाइड कर लियो तो जल्दी जॉब पा सकते। वहाँ भूल और चूक कर लिए कि हमको थोड़ा थोड़ा टेक्निकल आता नहीं, टेक्निकल में जाना है, तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, 2-3-4 साल आपकी ऐसे लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जॉब नहीं मिलने वाला। बहुत सारे 5-5-6-6 साल स्टूडेंट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे मैसेज आते रहते हैं दिन भर कि सर मेरा नहीं हुआ अच्छा, 7-7 साल दोनों ट्राई कर लिया, क्योंकि यार दोनों ट्राई करने के बाद कुछ नहीं होता, ये फैक्ट है। आप लोग प्राइवेट कॉलेज से हो तो आप नर्वस ना हो, आपको नॉलेज है, अच्छा किए हो। देखो टॉपर जो होता है ना उसको भी नॉलेज नहीं होता, मेरे कॉलेज का टॉपर था उसको भी 80-75% नॉलेज जीरो था, कुछ भी नहीं आता था, गेट में कुछ भी नहीं करो, क्वालिफाइड नहीं हो पाया था। अब बताओ, अब क्या बताऊँ तुम लोगों को, तो वही चीज़ है, नॉलेज मैटर कर, आपको बुक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपके कम परसेंटेज हैं। तो गाइज बस यही था, आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।